हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपके बहुत सारे डाउट आए थे पिछले सेशन में, जब हम लोगों ने सेशन एक लिया था टाइम मैनेजमेंट का। तो उस सेशन में आप लोग के डाउट थे कि सर हम राइटिंग पोर्शन को कैसे इम्प्रूव करें, लर्निंग पोर्शन को कैसे इम्प्रूव करें। तो लर्निंग पोर्शन के लिए एक बेटर टाइम और बेटर एक तरीका मैंने आपको पिछले सेशन में ही बता रखा था, ठीक है। उसी से रिलेटेड दो या तीन अभी सेशन आने वाले हैं, जिससे आपको टाइम टेबल की प्रॉब्लम पूरी क्लियर हो जाएगी। अब एक गुड टाइम टेबल या गुड टाइम मैनेजमेंट और एक गुड गाइडेंस और डायरेक्शन, इन दोनों में फर्क है। तो इन दोनों कंबाइन करके हम अगला सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बेस्ट टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और एक बेटर डायरेक्शन, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे। तीसरी चीज हम क्या लेके आने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि हाउ टू इग्नोर स्लीप व्हेन स्टडी, कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हम स्लीप को कैसे इग्नोर करें, नींद को कैसे इग्नोर करें। भाई जब पढ़ते हो तो बहुत नींद आती है ना, बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है। तो इसको कैसे इग्नोर करें, तो हम इस टॉपिक में भी बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो लेके आने वाले हैं विद इन 5 to 10 मिनट का, ठीक है। तो इस वजह से फटाफट, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अपने आप को इम्प्रोवाइज करने वाली वीडियो। तो इम्प्रोवाइज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है, और अच्छे मार्क्स भी आप इसके थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड हैंड राइटिंग। वॉट इज हैंड राइटिंग? तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप क्या करिए कि एक दिन में, बहुत सारे वीडियो में पढ़े हैं यूट्यूब में, बहुत सारे लोगों सुना है कि मैं आपकी हैंड राइटिंग एक दिन में, एक घंटे में क्या कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। अरे कोई हलवा है क्या यार, एक दिन में आप हैंडराइटिंग सही कर देंगे किसी बच्चे की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की? सपोज मेरी कोई आदत है तो आप मेरी आदत को एक दिन में कैसे बदल सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, अभ्यास करना है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, कि धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी जो कुंद बुद्धि है वो कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह राइटिंग एक हमारी हैबिट है। कैसी है? हैबिट। जैसी हमें आदत पड़ गई वैसे हम लिखते हैं। तो इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, और आई होप कि इनसे आपको 100% गारंटीड, आपको मैंने कहता कि एक घंटे में आपकी इंप्रूव हो जाएगी राइटिंग, मैंने कहता कि एक दिन में आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, है ना, गारंटीड। मैं कहता हूं कि कंटिन्यू अगर इस प्रोसेस को करते रहे तो बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं कि ये वीडियोस आप कब देखते हैं, आप देखते हैं एग्जाम के एक दिन पहले कि अपनी राइटिंग को कब इंप्रूव करें। सेकेंड थिंग क्या है बच्चों, कि आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि सर मेरे मार्क्स कम आते हैं, मैं बहुत अच्छा लिख के आता हूँ, मतलब बहुत सारे आंसर्स लिख के आता हूँ, सही आंसर करके आता हूँ, मैच करा लेता हूँ, सब सही होता है, फिर भी मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस सोल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज क्या है कि जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हमें सामने वाला जो एग्जामिनर है उसी लिखावट से क्या करता है, जज करता है। आपको बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली होंगी कि आप बहुत अच्छा लिख के आए हैं, बहुत सारा आंसर लिख के आए हैं, लेकिन मार्क्स आपको कम मिलते हैं। वेयरएज एक दूसरा बच्चा होता है उसको फुल मार्क्स मिलते हैं या अच्छा मार्क्स मिलते हैं। हालांकि सीबीएसई में राइटिंग की वजह से मार्क्स देने का कोई भी अलग से कोई लॉ नहीं, बट इवन कम हो जाता है। किसी को एक कोई बच्चा लिखता है गंदी हैंड राइटिंग से तो उसको मिलते हैं 2 नंबर, और एक बच्चा लिखता है सेम चीज अच्छी हैंड राइटिंग से तो उसको मिलता है 2.5 और 3 मार्क्स, राइट। चलो चलो, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर आपके सामने कॉपी रखी है और उसमें बहुत प्यारा लिखा हुआ है तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा यार कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है। और अगर आप उस पर्सन को जज करेंगे तो आप उसी हैंड राइटिंग से जज करेंगे। जैसे आपकी बोर्ड में या कभी आपका एग्जाम होता है, में भी बहुत सारे टीचर्स नहीं ध्यान देते हैं, तो हो सकता है 70 to 80 स्टूडेंट्स रहते हैं, 30 स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें 2-4-5 बच्चों का नाम याद होता है, तो सारे बच्चों को वो पर्टिकुलर नहीं जानते कौन सा बच्चा कैसा है। तो क्या होता है कि वो आपकी हैंडराइटिंग से आपको जज करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक साइट का सर्वे है, ये एक सर्वे करवाया गया था बहुत सारे टीचर्स को, अलग अलग कॉपीज दिखाई गई थी, तो उन टीचर्स ने उन कॉपी और हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग ही बच्चों को जज किया कि बच्चा कैसा होगा, गुड स्टूडेंट है और बैड स्टूडेंट है, या बच्चे की नॉलेज कितनी है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आप समझिए राइटिंग स्किल्स का या जो राइटिंग पोर्शन है इसका कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। आपको कहीं अगर आपको अच्छी इमेज दिखानी है, इवन आपके एग्जामिनर के सामने आपको अपनी अच्छी इमेज दिखानी है, तो अब आप अपनी फोटो तो भेज नहीं सकते हो, सिर्फ इंप्रेशन है कि आप कैसा लिख रहे हैं, है ना। तो आज हम सिर्फ हैंड राइटिंग की बात करेंगे। स्किल्स में हम लोग
उसी को इंक्लूड करेंगे। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कैसे लिखें, बाई चांस आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपको पता ही नहीं होता कैसे लिखें, तो इसके बारे में हम बाद में किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू इंप्रूव आवर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसमें जो पहला पॉइंट है मेरी तरफ से वो ये है कि आपको भाई देखो सीधी सी बात है, सभी बच्चों का जितने भी है उनकी किसी ना किसी बच्चे के कुछ लेटर्स खराब रहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब अगर अल्फाबेट 26 है तो 26 में चार पांच लेटर्स, किसी का आर टेढ़ा बनता है, किसी का टी टेढ़ा बनता है, किसी का जे टेढ़ा बनता है, कुछ इस तरह से है ना। हिंदी में है हमारे पास का से ज्ञा तक, उनमें से कुछ लेटर्स हैं जो आपके क्या बनते हैं, खराब बनते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हीं लेटर्स में फोकस करिए, ठीक है। अब कहोगे सर हमें तो नहीं पता कैसे कि कौन सा लेटर हमें खराब है, तो मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशन में बताया था कि एक हमारा जो माइंड है, जो हम हैं, वो अपने आप के सबसे बड़े जज होते हैं, तो उसको जज करिए, उसको फॉल्ट को ढूंढिए। चलिए तो पहला पॉइंट क्या करेंगे आप कि जो आपके लेटर्स खराब बन रहे हैं उनको आप पहले जज करेंगे, ढूंढेंगे कि लेटर्स कौन से खराब हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, ये तो आप कर लेंगे दो एक या दो दिन में, आई होप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा लिखिए। बहुत सारे बोलते हैं कि धीरे धीरे आप लिखते रहिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अरे यार स्कूल में खुद ही इतना प्रोजेक्ट मिलता है, इतना वर्क मिलता है कि लिखते लिखते पागल हो जाता है बच्चा, सुबह शाम तक लिखते ही रहो लिखते रहो लिखते रहो, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा आप दो पेज डेली लिखो, 15 लाइन डेली लिखो, ना, जो आप लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप सपोज दैट एक घंटे में कोई सब्जेक्ट लिख रहा है तो सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटे में फिनिश कीजिए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अपनी राइटिंग को थोड़ा सा स्लो करिए कुछ दिन के लिए, जब हैबिट आ जाएगी आपको सारे लेटर्स बढ़िया गोल मटोल बनाने के, तो अपने आप आपकी स्पीड तेज हो जाएगी स्टूडेंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि थोड़ी सी राइटिंग को स्लो करिए, लिख तो आप ऑलरेडी रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। अगला पॉइंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी लिखने की पोजीशन डिपेंड करती है कि आपकी राइटिंग कैसी बनेगी। शॉकिंग ना, बट इट्स ट्रू। अगर आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं, कमर अपनी सीधी करके जो बैक पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके, तो आपकी राइटिंग देखना कैसी बनती है। अगर आप लेट के लिख रहे हो यार, ऑब्वियसली बात है बिगड़ेगी, है ना। तो आपका जो बैठने का पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो राइटिंग है वो कैसे बनेगी। तो मैं आपको प्रेफर करता हूं सारे सॉल्यूशंस को निकाल करके कि आप हमेशा जब कुछ लिखते हैं तो सीधे बैठने की कोशिश करिए, स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो क्या होगा, आपको लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील होगा, राइटिंग भी आपकी अच्छी बनेगी। अब फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरी बॉल पेन से अच्छी बनती है, जेल पेन से अच्छी बनती है, डॉट से अच्छी बनती है, वो बहुत सारे ऐसे लॉजिक देते हैं, लेकिन ये लॉजिक सही बिल्कुल नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसी हमारी हैबिट है, हाँ इवन कहीं ना कहीं जेल और डॉट का कुछ फर्क पड़ता है पेजेस को लेकर के, तो थोड़ा सा हमें ये गौर करना है कि हम कौन से पेन को चूज कर रहे हैं। तो अगर आपकी हैबिट स्टार्टिंग से जेल पेन की है तो आप जेल पेन से कंटिन्यू करिए, आपकी हैबिट है कि आप डॉट पेन से लिखते हैं तो आप डॉट पेन से कंटिन्यू करिए, ठीक है। इवन हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जेल से अच्छी बन रही है और डॉट से बुरी बन रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और अगला पॉइंट है, और इस अगले पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है कि लेटर्स को बीच बीच में चेक करते रहना है। अब कह दो सर इतना टाइम कहां है, पढ़ने का तो टाइम नहीं मिल रहा, कैसे करते रहेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना तो एक बार पेज में देख लीजिए कौन सा लेटर छोटा बन रहा है, कौन सा बड़ा बन रहा है, कौन सा कैसा बन रहा है, तो उसको एक बार जब आप रिव्यू करेंगे, तो एक होता है रिव्यू रिव्यू और एक होता है रिव्यू रिव्यू दोबारा देखना, ओके। तो रिव्यू जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो लेटर्स मिल जाएंगे जो छोटे बड़े बन रहे हैं, टेढ़े बन रहे हैं। कुछ बच्चों की कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छी बनती तो वेरी गुड, लिखना चाहिए, और जिन बच्चों की कर्सिव नहीं बनती वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज रुक जाओ, अभी मत बनाओ, पहले धीरे से आदत डालो, हैबिट डालो। मैंने बताया ना राइटिंग इज अ हैबिट, ठीक है बच्चे। लोग बचपन में लिखवाया जाता था, एक एक पेज लिखवाने के लिए बोल दिया जाता था, दो दो पेज हिंदी में लिखने के लिए बोल दिया जाता, इसीलिए ताकि आपकी हैबिट पन, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपको रिव्यू करना है और चेक करते रहना है कौन सा लेटर छोटा बड़ा बन रहा है, कौन सा टेढ़ा बन रहा है। तो जो हाइट है, तो जो आप लोग स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के बाद उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और जो उसके बाद लिखते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सेम हाइट पे लिख देते हैं, सेम हाइट पे, सपोज मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख दूंगा ऐसे, तो सेम हाइट पे थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ता है। अगर मैं पढ़ूंगा ऐसे बनाऊंगा ही इसके बाद इज, तो देखो थोड़ा सा इफेक्ट अलग पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये जो हाइट है इन लेटर्स की, ये जो लेटर्स है इनकी जो हाइट है, ये भी अपने को क्या करना है देखना पड़ेगा। बस इस चीज का थोड़ा सा रिव्यू करते रहो कि हाइट कैसी जा रही है, दो लेटर्स के बीच में गैप कितना है, ठीक है।
एक लाइन के बीच में गैप कितना है, क्या कैसा दे रहे हैं, लाइन छोड़ के लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बात समझिए मेरे, दो लेटर्स के बीच में कैसा गैप है, ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में कैसा गैप है, ये लेटर्स के बीच का गैप हो गया, ये वर्ड्स के बीच का गैप हो गया, ये थोड़ा मेंटेन करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी आपकी राइटिंग हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और ये अगर पॉइंट आप लोगों ने जो चार पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये रिव्यू करिएगा, इसको अपने आप पे फॉलो करिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आपकी राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। आज नहीं कह रहा हूं, अभी से आदत डालिए, दो दिन चार दिन पांच दिन इसके बाद थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, ड्यूटी पूरी कर दी, अब आपकी बारी है स्टूडेंट, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो है और हाँ ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने के लिए, बाय बाय टाटा, टेक केयर।